आज अपन पढ़ेंगे लोटिक हैबिटेट। लेंटिक हैबिटेट को अपन ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड देखेंगे अपन लोटिक हैबिटेट। तो देखते अपन लोटिक हैबिटेट को, वे स्वच्छ जलीय आवास जो अधिक विस्तृत गहरे व लवणीय पदार्थों की अनुपस्थिति युक्त होते हैं, यानी कि अधिक विस्तृत जलीय आवास होंगे, गहरे होंगे, लवणीय पदार्थों की अनुपस्थिति युक्त होते हैं, तो इन्हें लोटिक हैबिटेट कहेंगे। लोटिक हैबिटेट के अंदर अपन दो आवासों को देखेंगे, रिवर, दूसरा होगा स्ट्रीम यानी कि झरने। तो अपन को रिवर को डीपली पढ़ना है, यानी कि लोटिक हैबिटेट यानी गतिशील जलीय आवास जो है, तो रिवर जो गतिशील जलीय आवास को दर्शाती है। तो इसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे रिवर। वे लोटिक हैबिटेट जो अधिक लंबे, कम चौड़े और अधिक गहरे विस्तृत जलीय क्षेत्र होते हैं, इन्हें रिवर कहते हैं। यानी कि रिवर जो होगी वह अधिक लंबी होगी, कम चौड़ी होती हैं, इसके अलावा अधिक गहरी व विस्तृत जलीय क्षेत्र युक्त होती हैं, तो इसे रिवर कहते हैं। बात करें अपन रिवर की विशेषता, तो देखेंगे अपन रिवर की विशेषता। रिवर की विशेषता में फर्स्ट विशेषता देखेंगे अपन प्रकाश। रिवर की गहराई अधिक होने के कारण इसकी ऊपरी सतह पर प्रकाश अधिक, यानी कि जो रिवर होगी उसकी गहराई अधिक होती है, तो ऊपरी सतह पर प्रकाश अधिक रहेगा, मध्य में प्रकाश सामान्य रहेगा और पेंदे में प्रकाश जो होगा वो प्रकाश का अभाव रहेगा, क्योंकि पेंदे तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो इस आधार पर यानी कि प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर नदी के अंदर तीन प्रकार के क्षेत्र बन जाएंगे। यूफोटिक यानी कि ऊपरी सतह वाला भाग यूफोटिक होगा, मध्य वाला भाग डिसफोटिक होगा, वह जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता वह भाग एफोटिक कहलाता है। अगली विशेषता की बात करेंगे अपन तापमान। तापमान भी प्रकाश पर ही निर्भर करता है। जल की ऊपरी परतों का ताप अधिक, मध्य में वही सामान्य रहेगा और निचली परतों का ताप यानी कि पेंदे में जो तापमान होगा वह कम होता है। इसके बाद बात करें अपन गहराई। रिवर की विशेषता होती है कि स्वच्छ जलीय आवास अत्यधिक गहरे होते हैं, यानी कि जो नदी होगी वह अत्यधिक गहरी होगी और गहरी होने से दाब का मान अधिक होगा और दाब अधिक होने से गहराई में उपस्थित जंतुओं का शरीर चपटा होता है। इसके बाद अगली विशेषता की बात करें अपन वाटर करंट यानी कि जलधारा। रिवर में जल की अधिकता के कारण जलधाराओं की भी अधिकता बनी रहती है, यानी कि नदी के अंदर जलधाराओं को देखा जाता है।
जलधाराएं जो होगी वो दो प्रकार की जलधाराएं देखने को मिलती हैं। तो पश्च जलधारा की बात करें अपन, लेमिनोर वाटर करंट। लेमिनोर वाटर करंट का मतलब होता है जलधारा के अणु एक के बाद एक सीधी रेखा में गमन करें, यानी कि जलधारा के अणु एक के बाद एक सीधी रेखा में गमन करें। तो इस प्रकार की जलधारा को लेमिनोर वाटर करंट कहते हैं। अगली जलधारा देखें अपन, टर्बुलेंट वाटर करंट। तो इस प्रकार की जलधारा में जो जलधारा के अणु होते हैं वो जिगजैग या अनियमित रूप से गमन करते हैं। तो इस प्रकार की जलधारा को टर्बुलेंट वाटर करंट कहते हैं। अगली विशेषता देखते हैं अपन, टाइड्स। जल का उतार चढ़ाव टाइड्स कहलाता है। रिवर में टाइड्स का लगभग अभाव रहता है, रिवर के अंदर टाइड्स को नहीं देखा जाता, समुद्र के अंदर इनको टाइड्स को मुख्यतया देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें अपन अगली विशेषता की, लवणीय पदार्थ। रिवर में लवणीय पदार्थ जो होंगे वो एब्सेंट होते हैं। यहाँ का जल जो होगा रिवर का जल मीठा होता है। बात करें अपन जोनेशन ऑफ रिवर। जोनेशन ऑफ रिवर में अपन स्पष्ट वर्गीकरण देखेंगे जलधारा के आधार पर। जलधारा के आधार पर फर्स्ट देखेंगे अपन फ्लोइंग वाटर जोन। फ्लोइंग वाटर जोन ये रिवर का वह क्षेत्र होता है जहां जलधाराओं की अधिकता होगी, जलधाराओं की अधिकता बनी रहेगी। इस क्षेत्र में जलधाराओं का प्रवाह बने रहने के कारण इसे फ्लोइंग वाटर जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में प्रकाश व तापमान अधिकता से प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रकाश की अधिकता होगी तो तापमान भी अधिक होगा, और इनकी वजह से जंतु अधिक गहराई वाले क्षेत्रों में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स कुछ ही भागों में प्रेजेंट होते हैं। दूसरे भाग की बात करें अपन, रैपिड वाटर जोन। यह रिवर का किनारे युक्त वह भाग होता है, यानी किनारों वाला भाग होता है जहाँ जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। जलधाराओं की उत्पत्ति किनारों से होती है तो उस भाग को रैपिड वाटर जोन कहते हैं। इसमें प्रकाश और तापमान सामान्य बने रहने के कारण पौधे व जंतुओं की अधिकता होती है, यानी कि जंतुओं व पौधों की अधिकता होगी क्योंकि यहाँ पर प्रकाश व तापमान सामान्य होता है। इसके बाद बात करें अपन पुल जोन। रिवर में पाए जाने वाला एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का समूह पुल जोन कहलाता है। एबायोटिक व बायोटिक जो फैक्टर का समूह होता है ये समूह ही पुल जोन कहलाता है, जिसमें प्रकाश तापमान व अन्य फैक्टर की उपस्थिति में पौधे व जंतु प्रेजेंट होते हैं। एक रिवर में अनेक पुल जोन पाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त रिवर के पेंदे के आधार पर भी निम्न प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए अपन, फर्स्ट सरित जल वाली नदी। इस प्रकार की नदी में पेंदे में स्लिट या गाद का अभाव होता है। नदी के पेंदे में कंकड़, पत्थर, चट्टाने, टोटे
टॉस बाग प्रेजेंट होते हैं, इस कारण जल धाराओं का प्रवाह बना रहता है। दूसरा भाग देखते हैं अपन, जमाव वाली नदी। इस प्रकार की नदी के पेंदे में सिलिट प्रेजेंट होती हैं, सिलिट प्रेजेंट होगी जो आधार की ओर जमी हुई स्थिति में पाई जाती हैं, यानी कि आधार पर जमी हुई स्थिति में प्रेजेंट होती हैं। चट्टानों के अपक्षय तथा टर्बुलेंट वाटर करंट के साथ मृदा का अपरदन होने से स्लिट का निर्माण होता है। इसके बाद बात करें अपन रेतीले भागों वाली नदी, स्थलीय या रेतीले भागों वाली नदी। इस प्रकार की नदी के पेंदे में स्लिट का अभाव होगा, यानी कि गाद का अभाव होगा, वो पेंदे पर मैदानी या रेतीले भाग प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पेंदे पर रेत प्रेजेंट होती हैं। यहाँ जलधाराओं का प्रवाह बने रहने से पौधे और जंतु अधिकता से पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।